हाय मैं चल अली खान एंड वेलकम टू स्टार्ट ब्लॉग। और बिना बुकरादी करके चलते हैं ब्लॉग बनाने। क्रिसमस टू ऑल, जो जो बनाते हैं वो बाकी सब अपना खुश रहो जिंदगी में। दीपा एक बार वहाँ जाके खड़ी हो, देखे कितनी बड़ी लग रही हो चर्च के आगे। एक तुम्हारी हमारी फोटो है हाइट की वहाँ पे। आओ मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। दीपा कुछ बताना चाह रही है तो लेकिन बता नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ नहीं रही है कैमरे में कि हाइट कम है ना और मेरी हाइट ज्यादा है, देखिए नीचे से पकड़ना पड़ रहा है। अब देखिए हम अपने हाइट से पकड़ेंगे तो ये गायब हो जाएंगी। ये देखिए दीवा गायब गायब। जाओ ट्राई करो। तो दीवा ट्राई करने जा रही है स्कूल के अंदर की परमिशन लेने, चलो देखते हैं कर बात नहीं है कि नहीं। ये मना लो ना, अगर अंकल मान लिए तो दीपा को मेरी तरफ से ट्रीट। ये पहले ही से मूड बना रहे हो लोग कि दोनों लोग गाली देंगे दीपा को। ये देखिए पहले ही से बेइज्जती हो गई, बेइज्जती यही से वापस ना। अंकल का कहना है ना तो ना, खोर बेइज्जती। दीपा का मुंह देख सकते हैं आप लोग, जबरदस्त नीचे मुंह नीचे करके आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इतनी शर्मिंदगी। ये देखिए अभी बेइज्जती हुई है इनकी, लेकिन इनको दूसरे के बॉयफ्रेंड में नजर लगी हुई है, गलत चीज है बिल्कुल। चलो हम भी आ जाए यार, इसी मारे कहते हैं हील वाली चप्पल पहनो और हाइट बढ़ाओ अपनी। कॉम्प्लेन भी नहीं करो दूसरी लड़कियों की हाइट पे नजर लगानी है ये तो। तुम खुद की बढ़ाओ, तुम दूसरों पे क्यों लगा रही हो नजर। सही बात, बढ़ेगा। बेइज्जती क्यों करवाए, वहाँ जाके तुमने बेइज्जती करवाए बहुत तगड़ी। तो अब चलते हैं बाहर और कहीं और। इनके लिए बहुत ज़्यादा कैमरा मुझे झुकाना पड़ता है, मैं दूर से आ जाती हूँ। हाँ हाँ चलो, दिमाग तो है तुम्हारे पास। और आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा ये बताइए आप जरा। भीड़ देख के अच्छा लगा, कुछ खास नहीं, ठीक है। हमें भी कुछ मज़ा नहीं आई, नर्वसनेस हो रही थी बस। कभी कैमरे का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बैटरी ऑलमोस्ट डेड पे है और मैं चार्ज नहीं करा था, और ये इनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी चलने को तो इसी मारे जल्दी चले आए थे हम लोग। तो ये ज़िंदगी के मिशन पे चलते हुए हम लोग। ये बच्चे हैं जो यहाँ पे मच्छर मारते हुए ताकि किसी को डेंगू ना हो जाए, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये है मिशन। अभी यहाँ शादी होती ना? हाँ। है पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई उधर होती है, यहाँ शादी होती है। अच्छा, तो आज हमें मालूम चला कि यहाँ पे शादी होती है, हम तो सोचते थे पढ़ाई होती है। तो ये है मिशन का चर्च, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंद हो चुका है। अब सेंट मेरीज का भी चर्च बंद हो चुका है और कनौसा में कोई चर्च नहीं है फिर भी बंद हो चुका है।
है कनौसा, और जो कि हम पहली बार आए हुए हैं अंदर, काश आम दिनों में भी आने को मिलता तो कितना सही रहता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इनका कहना है अगर ये स्टोरी ना लगाएं तो खाना हजम नहीं होगा, और हम लोग का कहना ये है कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, भले तो वो 5 दिन में एक बार लगे, और इनका कहना है कि स्टोरी रोज़ लगनी चाहिए चाहे वो जैसी भी हो। हाँ हाँ, तुम 1999 लोग के इन लोग के बैच के मिलने हैं, इनको कॉलेज कंप्लीट करे हुए कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं, और ज़्यादा हो गए हैं, इनकी शादी की उम्र हो रही है लेकिन ये शादी कर नहीं रही हैं। जैसा कि देखा मेरा कहना गलत था, वो आपकी कौन थी? मेरी स्टूडेंट। अरे बाप रे बाप, समझ सकते हैं ये कितनी लेजेंड इंसान होंगी। यहाँ पे ये लौंडा छेड़ ली है, ये सब गलत बात है, लौंडिया भी छेड़ ली है, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह मत फैलाओ, अपनी उम्र का लिहाज करिए आप। जी सर। हाँ, ये तो हम लोग के ऊपर अच्छा लगेगा, मतलब छेड़े नहीं देख सकते हम लोग। यार वो छेड़ नहीं रहे हैं। दिख रहा है, देखते कुछ है नहीं, वैसे कुछ खास लगा नहीं हम लोग को, देखते रात में आएंगे तब देखेंगे यहाँ पे क्या मसला है क्या नहीं। देखिए एक से एक लोग मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। मैं मिल रही हूँ आंचल वर्मा, मिस यूनिवर्स। ज्यादा हो गया, ठीक है जो भी है। जी हाँ जी, थैंक यू, बाय बाय। यस, नाइस टू मीट यू मैम। वैसे पहली बार हम लोग मिले हुए हैं। तुम अपने आप को लंबा कह सकती हो तो वो मिस यूनिवर्स भी है, हो सकता है। अगर सब लोग अपनी तरफदारी कर रहे हैं तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैं पतला दुबला बिल्कुल नहीं हूँ, जबरदस्त। मिस्टर हंग, दिस टाइम टू गो ब्रदर। जैसे देख रहे हैं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इतना कूड़ा हो गया। और ये जा रही है मिस यूनिवर्स। कि कभी भी इंतकाल हो सकता है कैमरे की बैटरी का, तो इंतकाल हो गया है इसका, तो ये कैमरा मेरी बाहों में मरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई चीज़ की तैयारी चल रही है और हम आए हुए हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो अभी देखिए यहाँ पे बड़ी पब्लिक आ जाएगी पब्लिक। बस आज के लिए इतनी भौकाल बहुत। सो अभी हुआ ये कि हम लोग आए हुए थे 25 को, तो मतलब प्लान ये था कि हम लोग दिन में भी शूट करेंगे और रात में भी शूट करेंगे। तो रात में जब हम लोग का हुआ कि चलो अब चलो रात में चलते हैं और यहाँ पे शूट करते क्रिसमस वाले, दिन में तो हम लोग ने पूरी वीडियो ले ली हुई थी, लेकिन रात में जब हम लोग की बारी आई कि चलो रात में चलते हैं, तो पता चला कि वो कोरोना की वजह से सारे जितने भी चर्च हैं वो बंद हो चुके हैं। तो फिर हम लोग एक मिशन स्कूल के चर्च पे आए हुए थे, तो यहाँ पे एक भैया ने बोला कि ऐसा है, हम लोग ने उनको बताया कि ऐसी सिचुएशन है, हम लोग को नाइट का दिखाना था मेन, दिन में तो हम लोग ने ले लिया यहाँ पे आके, तो वो बोले अच्छा ऐसा है कि तुम लोग 28 को आ जाना, हम लोग खोल देंगे तुम्हारे लिए, मतलब यहाँ पे कुछ रहेगा तुम लोग शूट कर सकते हो उस टाइम आके रात के लिए। तो अभी जब ये 28 है आज, और हम लोग सोचे थे कि आज पूरा ब्लॉग कंप्लीट करके तब डालेंगे यूट्यूब पे, तो आज यहाँ पे आए हुए, तो यहाँ पे हो रही हल्की बारिश, तो उसकी वजह से ये खुला ही नहीं। वो भैया बोले कि 1 तारीख को भी खुलेगा लेकिन वो दिन में रहेगा, और 1 तारीख को यार डालने से कोई फ़ायदा क्या है क्रिसमस को लेके 1 तारीख को, तो 1 तारीख को अलग ब्लॉग बनाएंगे। और जैसे देख रहे हैं ये पीछे ताला लगा हुआ है, और ये है ज़बरदस्त सेक्सी व्यू यहाँ का, और हम हैं और ये अफसर भाई पीछे से लाइट दिखा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी देख रहे हैं यहाँ पे इतना अंधेरा है, और 8:30 बज रहे हैं इस टाइम, और घर से फ़ोन आ रहा है, किसी को घर वालों को मालूम नहीं है कि हम लोग आए हुए हैं दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पे। तो बस यही था यार, और जो है तो अभी तो वो अपलोड होएगा ही, कल तक के अपलोड कर देंगे 29 तक के। अफसर भाई पूरे मेहनत कर रहे हैं, 2-3 लोग और भी आने वाले थे लेकिन वो लोग अच्छा हुआ नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे आते तो वापस ही जाना पड़ता। ये देखिए, और अगर यहाँ पे ये लाइट ना लगे ना तो बिल्कुल हॉरर पुरानी पिक्चरों का वो लगती है हवेली। यार यहाँ फोटो शूट हो जाती ना तो मज़ा ही कुछ और रहता, और वो है वो भी मेरे ख्याल से चर्च है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में। तो यार अभी जितना हम लोग का मूड ख़राब है ना क्या बताया जाए, मतलब 3 दिन वेट करा सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे हम लोग फोटो शूट करेंगे और नाइट ब्लॉगिंग की डालेंगे कि भाई दिन का क्या था क्रिसमस का और रात का क्या था,
और क्रिसमस ही को लेके हम लोग डालने वाले थे लेकिन हो नहीं पाया। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अफसर भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल आना नहीं चाह रहे क्योंकि इनको शर्म आ रही है वीडियो में। चलते हैं फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह।